सुना कि साल भर में दूध मेरा पलटा हाहू गद्दी जी त तोरा से नीमन नीतीश चाचा सरैया के हाथ है कि नीतीश कुमार बहुत बेहतर थे, इसलिए कि ऐसा पूरा दुनिया में कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो रात के कने चल गया सुबह किसके पास चल गया। इतना जल्दी तो कोई लड़की भी बॉयफ्रेंड नहीं बदलती। कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है मैम। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी मैम। बिल्कुल बड़का झूठा पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का सीएम कैसा हो? कौन सरकार ज्यादा बेहतर? लगता है कि नीतीश कुमार बहुत बेहतर थे, इसलिए कि ऐसा पूरा दुनिया में कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो रात के कने चल गया सुबह किसके पास चल गया। इतना जल्दी तो कोई लड़की भी बॉयफ्रेंड नहीं बदलती है। जितना ज़्यादा जो है नीतीश कुमार और अभी जो जो है अभी जो बोल रहे थे एक सिपाही जी, इसलिए नीतीश के फेवर कर रहे थे कि वह पूरा बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। थाना में जाइए तो वही सिस्टम है, एसपी के पास एप्लीकेशन लेके जाइए तो वही सिस्टम है। अगर थाना में आप कंप्लेन करते हैं ठीक है तो वो जांच करेगा ना पहले, तो अगर हरजन केस आ गया तो पहले उसको जाके उसका के ले आवेगा कि तुम भी एगो FIR दो, आप फिर देखेगा माल किसके पास है तो इसके पास है वर्जन है, जकरा भी माल कुछ है तो तुम ही से कहेगा कि काम एक काम कीजिए ना भाई, अब आपका केस जो है ना वो कर दिया है माइनेज करवा देते हैं 10-20 हज़ार तू ही दे दो, और नहीं तो 50,000 रुपया लगता है अर्जन केस में। ऐसा सिस्टम बना के रखा है बिहार में। देखिए दिखाते हैं, देखिए अर्जन कैसा रहता है। अभी नहीं से क्या होगा? एक वीडियो दिखाने से क्या होगा? क्या हरिजन बोल रहे हैं आप? नीतीश कुमार के क्या? नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार दल बदलू है, हम लोग भी मानते हैं ठीक है। आप राजनीति पे बात कीजिए ना, राजनीति पे बात कीजिए ना, आरक्षण पे बात मत कीजिए आप ठीक है। सुनिए, हेलो ए मिस्टर, आपको नहीं लगता कि बिहार में कितना भी कोई बोले लेकिन जाति पर ही वोट दिया जाता है? जाति पे वोट लिया जाता है, जाति को बरगला को ठीक है, लेकिन ये जो कहते हैं हरिजन को स्पेशल मिला, हरिजन को क्या? आप एक भी भ्रष्टाचार हरिजन को दिखा दीजिए। भ्रष्टाचार में अगर जितना भी है आप देख लीजिए, सड़क मंत्री या तो पर्यावरण मंत्री या तो और कुछ भी ऐसा हमको हरिजन में दिखा दीजिए, या तो SC ST में कोई भी ऐसा सरकार हमको कोई मंत्री वगैरह दिखा दीजिए जो कि करोड़ों और अरबों रुपया लेके कोई भागा है यहाँ से। अच्छा। जो भी हरिजन है यहाँ बरकरार है, डंटा गाड़ के है। अब इनका कहना है कि हरिजन बुरा है? नहीं, हम सर हम पुलिस प्रशासन को, आप गलत बात बोल रहे हैं। RJD और जब ये जदयू मिला ना, सुन लीजिए भैया, ये दोनों मिला तब जाके 1.5 लाख शिक्षा की बहाली हुई है। इससे पहले तो इसका सरकार था नीतीश कुमार का, एक 54 भर का बहाली कुछ नहीं निकला था। RJD की सरकार था तो अभी बहाली निकला है, उसके बाद 20,000 किया किस ऐसे कुछ सिपाही का निकला है। क्या बोल? हाँ हम बोल रहे थे कि हमने हरजन के यहाँ विरोध नहीं किया, हमने सरकार को सिस्टम के बता रहा हूँ कि यहाँ का जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है। बोले इस बात? नहीं, हमने नहीं बोला कि हरजन खराब होता है तो ये भी फिर केस करवाते, तुम भी केस करो, उसके बाद जिसके पास माल होता है उसे माल ले लेता है। ये बात आप बोले, जाति विशेष पर आप मत जाइए। बिल्कुल, आप अपने बात से पीछे हट रहे हैं ठीक है, किसी जाति विशेष पर मत जाइए, नहीं जाइए। राजनीति हॉस्टल चलाते हैं, सुनिए ना, पासवान के लड़का को फ्री में रखते हैं, देखिएगा वीडियो दिखाएं, जाति के बात नहीं। सर ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सरकार बढ़िया काम की? RJD की सरकार होना चाहिए, लालू यादव जिंदाबाद। और अगले बार हम लोग चाहते हैं कि RJD का ही सरकार बने बिहार में। इंडिया आ गई है बिहार में, कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है मैम। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी मैम। बिल्कुल बड़का झूठा पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का CM कैसा हो? एगो जनता के तरफ से गाना सुना है? अरे कि साल भर में दूध मेरा पलटा हाहू गद्दी जी त तोरा से नीमन नीतीश चाचा सरैया के हाको। क्या लगता है 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी बिहार में? हाँ हाँ, हम लोग एकदम बिल्कुल है, यानी कि अंदर से भी विश्वास है कि तेजस्वी यादव का ही सरकार बनेगी। अच्छा। और हम लोग चाहेंगे अगर हम लोगों को सा कुछ मिले भी, कहने का मतलब प्रचार प्रसार का, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हम लोग बल खल सब लगा देंगे उनके प्रचार प्रसार में। अच्छा, और चाहेंगे कि वो जिस नौकरी की बात कर रहे थे नीतीश कुमार, कह रहे कि हमारे राज्य में
उनको नौकरी मिली है। मैम एनडीए की सरकार में है अभी नीतीश कुमार, अभी चले गए हैं वो, अभी फिलहाल अभी आप देखिएगा कितना बहाली वो देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इतना कहे कि हम रोजगार देंगे तो रोजगार भी दिए और जॉब भी दिए, 1.5 लाख तो खुलेआम है सभी पूरे बिहार वासी, क्या यूपी वाला भी जान रहे हैं, झारखंड वाला भी। क्या मैम रोजगार ही चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जुमलेबाजी से नहीं होगा कुछ। जुमलेबाजी से जो है ना बिहार तरक्की नहीं करेगा, नौकरी या तो रोजगार से तरक्की करेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, इसमें क्या देखते हैं, इंडिया अलायंस या फिर क्या कहते हैं कि एनडीए? एनडीए कह रहे हैं आप? नहीं, हम इंडिया तरफ से, हम इंडिया, हाँ अच्छा। हम कांग्रेस तरफ से हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं। अच्छा, लग रहा है कि योग्यता के बारे में अगर बात करेंगे तो राहुल गांधी से बेस्ट कोई नहीं है, अगर योग्यता के ऊपर बात करेंगे तब। अगर ये धर्म के नाम पे करेंगे तब तो अभी मोदी जी है, धर्म के नाम पे। अगर उससे कुछ पूछ लीजिए कहाँ कोई तरक्की की अगर बात कहें तो मोदी जी को जो है ना चवन्नियों भर उसको अकल का कोई चीज नहीं है। अच्छा, लगता है राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, हमको पता है धर्म के नाम पे यहाँ सब वोट जो है ना बोढ़ा जा रहा है, झाड़ू मार के जो है ना झोली में लिया जा रहा है, झाड़ू मार के धर्म के नाम पे। और अगर धर्म नहीं होगा, योग्यता देखा जाएगा कहाँ इसके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, होना चाहिए या ना होना चाहिए, तो राहुल गांधी हो जाएगा। एक भी हमको एम्स दिखा दीजिए इनके राज में, अभी जब से सरकार है इसका बीजेपी का, या तो कोई आईटीआई कॉलेज हो दिखा दीजिए हमको। पता वो तो बोले थे, मतलब अपने भाषण में बोले थे मोदी जी कि दरभंगा में एम्स खुलवा दिए हैं, जबकि जमीनी स्तर से पता किया गया तो वहाँ एक भी कोई एम्स ही था ही नहीं वहाँ। जी मैम, तो एनडीए आ गई है बिहार में, क्या लगता है कि एनडीए देख लीजिएगा क्या काम करती है। कांग्रेस के राज में परमाणु बम का परीक्षण हुआ, जब धमकी दिए थे दूसरे देश वाला कि यहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण नहीं हो सकता है, धमकी को सुनते हुए सारा चीज को झेलते हुए भी इंदिरा गांधी ने उसका परीक्षण करवाया और सारा चीज हुआ या सफल भी हुआ। और आज क्या हो रहा है, बस जा रहे हैं बैग उठा के दूसरे देश से खरीद के ला रहे हैं और अपने, अरे यहाँ कुछ भी करेंगे तब ना यहाँ के वैज्ञानिक को उसको मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। यहाँ के साथ कहीं कुछ है नहीं, यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ाने का तो है ही नहीं कुछ, बस गया वहाँ से गया 200-400 रुपया 10 रुपया जैसे भी जो भी है जुमलाबाजी करके। फिर 5G चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं 5G, तो फिर एनडीए तो यही बोलेगी कि हमारे सरकार में आई है। 5G से क्या हो जाने वाला है, 5G से कुछ हो जाएगा, 5G से खाने हमको मिल जाएगा, 5G क्या 10G भी ला लेंगे, अगर अगर रोजगार मिल जाएगा बढ़िया से ना, बढ़िया से रोजगार मिल जाएगा तो हम 10G भी ला लेंगे और 10G भी चला लेंगे। क्या कह रहे हैं, 5G से किसको फायदा है, 5G से किसको फायदा, वही तो हम पूछ रहे, आप पूछे किसको फायदा है, आप लोगों को फायदा नहीं, हम लोगों को खर्चा है, फायदा नहीं है। आप बोले 5G से किसको फायदा है, तो ये भी आप बताइए कि महीना आप जो सैलरी उठाते हैं तो कितना दिन में, सबका महीना 30 दिन में लगता है, इसका महीना कितने दिन में लग जाता है, 24 से 28 दिन में लग जाता है। उस पैसा हम महीना बात करें या ना करें, इसको काटने के किसने अथॉरिटी दे दिया है, सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए ना, ये कहाँ देख रहा है, बस 5G मिल रहा है, 5G मिल रहा है, हमको झालमुड़ी खाने के लिए दे रहा है, पैसा भराते हैं तब हमको देता है, और भी हर एक जगह कहाँ है, हर एक जगह उपलब्ध भी नहीं है।